खबर का असर, जलदाय विभाग आया हरकत में, वाल्व को टाइट कर पानी को किया बंद। सरवाड़ में मंगलवार को अंत में बिसरपुर लाइन से सिंचाई का जुगाड़ नामक खबर लगते ही न केवल पाइपलाइन से पानी की चोरी कर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे किसानों में न केवल जबरदस्त हड़कंप मच गया, बल्कि जलदाय विभाग के अधिकारी भी हरकत में आकर मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पाइपलाइन के ऊपर ढीले किए वाल को कसवा कर पानी के फव्वारे के बंद किया। जानकारी के अनुसार कोटा मार्ग के बाई तरफ भाटोला मार्ग पर स्थित बिसलपुर परियोजना की पाइपलाइन के ऊपर लगे वाल्व को ढीला कर पिछले दिनों से क्षेत्र के तथाकथित किसानों द्वारा पानी की चोरी कर अपने खेतों में खड़ी सरसों व गेहूं की फसलों की धड़ल्ले से सिंचाई की जा रही थी। वहीं मंगलवार को खबरों का सफर न्यूज चैनल पर द्वारा इस खबर को प्रकाशित कर पानी चोरी के मामले को उजागर किया था। खबर के प्रकाशित होते ही भाट के घोड़ों की तरह कुंभकर्णी नींद में सोए जलदाय विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई और आनन फानन में अधिकारियों एवं विभागीय कारिंदे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ढीले किए गए वाल्व टाइट कर व जेसीबी द्वारा पानी के फव्वारे को बंद किया, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई कि पानी की चोरी का यह खेल विभागीय कारिंदों की मिलीभगत से हो रहा था। इस खबर के लगने के बाद पानी की चोरी कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। इस खबर लगने, पानी की चोरी बंद होने पर क्षेत्र के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त कर खबरों का सफर न्यूज चैनल का धन्यवाद ज्ञापित किया। वही कुछ जागरूक लोगों ने बताया कि पाइपलाइन के वाल्व को ढीला कर पानी की चोरी कर अपने खेतों की सिंचाई करने वाले किसानों का पता लगाकर जलदाय विभाग को उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कुत्सित प्रयास नहीं कर सके।